जिंटू चुलबुल कान खोल के सुन लो, तुम लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हो, ओके? इस कैंप में सिर्फ स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। ओके ओके, वी प्रॉमिस, हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं, हम तो अकेले जा रहे हैं, क्यों चुलबुल? अरे रुक जाओ, कितनी सुंदर जगह है। कसम मेरे बच्चों के टिफिन की, जी करता है यहीं बस जाओ। अरे ये हमसे पहले कौन यहाँ आकर पिकनिक कर रहा है? तुम लोग यहाँ भी? मेरे बार बार मना करने पर भी तुम लोग किसी भी तरह मेरे पीछे आ ही जाते हो। गलत, मैं तो यहाँ अक्सर आता हूँ। हम लोग हमेशा यहाँ आके पेंगुइन्स, पोलर बेयर, व्हाइट टाइगर्स, वुल्फ, इनके साथ खेलते हैं। ये जानवर यहाँ कैसे? ये तो आर्कटिक और अंटार्कटिका में मिलते हैं। और ये वहाँ हर रोज सपने में जाते होंगे, क्यों है ना झिंटू? हंसना बंद करो, मैं ये प्रूफ कर दूंगा, ये सब जानवर हिमालय में भी होते हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म तम दमादम। Bye, Wheel. See you. Go, Jindu! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ सचमुच पेंगुइन्स हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें पहली बार देखने और सुनने को मिलती है। इसका मतलब जिंटू ने सच कहा था, उसने यहाँ पेंगुइन्स देखे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर, ये जरूर वीर का कोई जादू है। ओ नो, ये तो वुल्फ भी आ गए। को बोल के वीर को ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये भी याद रखेगी। सर, वीर ने मेरा होमवर्क रफ कर दिया और पूरा टिफिन भी खाली कर दिया। वीर मुझे बहुत तंग करता है। ठीक है, तुम सीट पे जाओ, आज मैं दिन भर उसे पनिश करूंगा। वीर, तुमने बंटी का टिफिन खाया, उसका होमवर्क मिटा दिया, अब जाओ पीछे बेंच पे खड़े हो जाओ। सर मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो अभी। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर। जाओ बेंच पे खड़े हो जाओ और कोई सवाल जवाब नहीं। मैं भी देखता हूँ ऐसा कैसे होता है। मैं ऐसा जादू करूंगा कि अगर वीर को पनिशमेंट मिलेगी तो जो वीर को टच करेगा वो वीर पे तरस खा के वीर की पनिशमेंट अपने ऊपर ले लेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वीर तुम बेंच पे क्यों खड़े हो, क्या बात है? सच बताओ वीर, क्या हुआ? कक्कड़ सर ने मुझे पनिशमेंट दी है जबकि मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो।
चलो चलो तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हारे बदले बेंच पे खड़ी होती हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं, वीर की पनिशमेंट मैं लूंगी। ही इज अ वेरी गुड बॉय। नहीं नहीं मैं पनिशमेंट लूंगी। वीर की पनिशमेंट तो मैं ही लूंगी। वीर तुम जाओ। अरे अरे आप दोनों, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वीर की पनिशमेंट माफ करता हूँ, प्लीज आप लोग जाइए। नो 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 नो, अब मैं भी चाट खा के आता हूँ। वीर को अब कोई खतरा नहीं है। पता नहीं कैसे ये चोर लगातार सोने के जेवर चोरी कर रहा है और किसी को दिखता नहीं। ये अदृश्य चोर कौन है? दादाजी, दादाजी आप क्या? दादाजी आज तो लगातार चोरियां हो रही है। और पता है दादाजी, मैंने अजीब सी चीजें भी देखी। कोई ट्रांसपेरेंट जैसा ह्यूमन शेप रूफ टॉप से भाग रही थी। ट्रांसपेरेंट ह्यूमन शेप, ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे रिसर्च करता हूँ। इनसे घूमना है तो सोना पहन के मत निकलो, क्योंकि आ गया है सोना चोर। ये देखने के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम रात 8 बजे देखें। भागो चोर आया। जिंटू जल्दी से सोने वाले चोर को पकड़ा दो, फुर्सतगंज में तहलका मचा रहा है वो। अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम, सोने वाले चोर यहाँ आ जाए। जिंटू सोने वाले चोर से ये मतलब नहीं था, गायब करो इन्हें। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं रहते। इन्हें भी गायब करता हूँ और खुद भी गायब हो जाता हूँ। बाय। डांस कॉम्पिटिशन 2 दिन बाद है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। तुम लोग अगर चाहो तो बाहर के लड़के लड़कियों से भी सीख सकते हो या उनको अपने ग्रुप में रख सकते हो। तो कौन कौन इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहता है? सर सर, फर्स्ट तो मुझे ही आना है, फिर दूसरों को क्यों तकलीफ देना? आप तो जानते ही है ना सर, मैं कितना अच्छा डांस। जिंटू ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा, जरा इसका डांस सबको दिखा दो। ये क्या कर रहे हो? ये डांस करने की जगह नहीं है, स्टॉप इट। बस करो बंटी, ऐसे स्टॉप इट, कोई रोको इसे। इसे क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो। जादू? कहीं जिंटू तो यहाँ हो रहा, मुझे मालूम था। जिंटू बस करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे कदम रुके नहीं रहे थे, सॉरी सर। सर इसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ। ये इसे जुगनू कहते हैं, जरा मैं भी तो देखूं, मैंने कभी जुगनू नहीं देखा। कैसे पकड़ा तुमने? देखते हैं ये उड़ता कैसे है। वाव, कितना सुंदर लगेगा ना उड़ते हुए। जुगनू भाई तुम उड़ जाओ। थैंक यू। ये क्या किया तुमने, मेरे जुगनू को उड़ा दिया। तो क्या हुआ, तुम तो अपनी स्पीड और चुस्ती से उसे फिर पकड़ लोगे। जाओ जाओ जल्दी पकड़ो, वरना वो भाग जाएगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा जुगनू उड़ा दिया। केकी पेकी, वीर की अच्छी धुलाई करो। धुलाई और गधे का पुराना रिश्ता है। Allow me to do it. बंटी, फिर कभी किसी जुगनू को पकड़ के बोतल में नहीं रखना। तुम्हें कोई बोतल में कैद कर दे तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि केकी पेकी हम अंदर खूब गेम्स खेलेंगे। चलो चलो जल्दी से मुझे किसी बोतल में बंद कर दो। आप खेलो ना गेम्स, रो क्यों रहे हो? ओफो जिंटू, उन्हें ठीक करो जल्दी। कितनी बार कहा है ऐसा जादू मत किया करो। आ, 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 आ,
आग 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 लग गई है। अरे तभी तो धुआं उठ रहा है। जिंटू पानी डालो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कौन है ये बदतमीज? ओ अटेंडेंस अंकल। अटेंडेंस अंकल? ये अंकल साल में एक बार धरती के सब जिन की अटेंडेंस लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब अपने अपने मालिक के पास हैं कि नहीं। जिंटू तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर पानी डाला, मैं तुम्हें रजिस्टर में एब्सेंट कर देता हूँ। सॉरी अंकल, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, अटेंडेंस रजिस्टर भर दे तू, जिंटू का नाम लिख दे तू। अंकल आप कुछ खाएंगे पिएंगे? फिर मुझे भिगाया। मैं तुम्हें देख लूंगा जिंटू, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी अच्छी खबर लेता हूँ। वीर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दादा जी मैं अंदर था और कार थी बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्ढा की कार वापस ला देगा। जिंटू मिस्टर चड्ढा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मिस्टर चड्ढा की कार उनको मिल गई है। ये कार हॉल में कैसे आ गई? अब इसे बाहर कैसे निकालूं? बंटी की माँ, ओ बंटी की माँ जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। मिस्टर चड्ढा की कार कहाँ है? बंटी की मम्मी जल्दी आओ, जल्दी। जिंटू तुमने कार को हॉल में रख दिया, तुम ठीक तो हो? जल्दी से कार को वहाँ से गायब करो, जल्दी। तुमने कहा था मिस्टर चड्ढा को कार वापस दो, वो हॉल में थे इसीलिए वही कार वापस कर दी। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं होते। ये लो जादू खत्म और मैं चला। ये हॉल क्यों तोड़ रहे हो जी, क्या कर रहे हो? ओए पता नहीं कार हॉल में कैसे कैसे आ गई। कार तो गई, ये कहाँ गई? कार हॉल में थी, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो हर जगह कार ही दिख रही है, जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ, पूरी दीवार तोड़ दी। बंटी क्यों हमें कागज के रॉकेट मार रहे हो? मैंने कब रॉकेट मारा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दोस्तों किसी ने देखा कि मैंने इमली और वीर को रॉकेट मारा? नहीं, 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 नहीं हमने तो हमने नहीं देखा। मैंने नहीं मारा, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, नहीं देखा। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो भी इमली और वीर के सिवा कोई नहीं देखेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। तुमने क्या किया? उसे वापस बुलाओ। वो तुम्हें तंग कर रहा था और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ तुम ही उसे वापस ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। Thank you.
बोबो बॉय कहाँ गया? और तुम यहाँ कैसे? हेलो, क्या तुम गाजर का हलवा खाओगे? हाँ, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे जिंटू, जोर से धक्का मारो ना, क्या धीरे धीरे धक्का मार रहे हो? अभी लो। मिस्टर चड्डा, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वीर, तुम बड़ी अच्छी सवारी कर लेते हो। थैंक्स वीर, भाग जाओ, वहाँ रोबोट टॉयज ने तहलका मचा दिया है, वो लेजर बीम से फायर कर रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक रूम में बंद कर दिया है। भागो वीर, भागो। तुम सब जाओ, मैं देखता हूँ इनको। वीर तुम रुक जाओ, मैं देखता हूँ। इतने छोटे टॉयज और इतना बड़ा हंगामा कर दिया, अभी जाके सबको ठीक करता हूँ। हे तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना जिंटू को गुस्सा आता है तो जमीन हिल जाती है, आसमान फट जाता है। मैं तीन तक गिनूंगा, एक दो, एक मिनट। ये मुकाबला बराबरी का होगा, मैं तुम्हें बराबर का मौका दूंगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ओके, एक दो और तीन। मैं कहाँ हूँ? ये दुनिया इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये कौवा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बचाओ! ये कौवा क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? बचाओ! बचाओ! ओ, मैं तो टॉयज से लड़ने गया था, यहाँ क्या कर रहा हूँ? वीर हमें भी कोई स्टोरी बुक दो ना, मैं स्टोरी पढ़ के चुलबुल को सुनाऊंगा। हाँ वीर, तुम तो होमवर्क करने में बिजी हो, हम बैठ के यहाँ बोर हो रहे हैं। ओके जिंटू, ये लो ये स्टोरी बुक, तुम पढ़ के चुलबुल को सुनाओ, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे डायनासोर थे, वो सब एक हिरन के पीछे पड़े हुए थे। डायनासोर कैसे होते हैं? जरा तस्वीर तो दिखाओ, मैंने डायनासोर कभी नहीं देखे। इस बुक में सिर्फ स्टोरी है, कोई फोटो नहीं है। फोटो होती तो स्टोरी का और मजा आता। ठीक है, मैं इसमें स्टोरी के हिसाब से चलती फिरती तस्वीरें भी डाल देता हूँ, हमें एक फिल्म जैसा मजा आएगा। चलती फिरती तस्वीरें, वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हे वीर, देखो देखो हिरन। ये कहां से आ गया? How cute, कितना प्यारा है। चिंटू ये क्या कर दिया तुमने? वो देखो, हिरन टेबल के नीचे छुपा है, ना डरा हुआ है। हिरन दोस्त अंदर जाओ, तुम्हारी जगह अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन उन डायनासोर्स का क्या, जो फुर्सतगंज में चले गए हैं? जल्दी जादू से उन्हें वापस बुलाओ। अभी लो।
वो मेरे जादू से बने हैं, इसलिए उनपे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बुक को जिस किसी भी डायनासोर के चेहरे के सामने करेंगे और जब वो ये बुक देखेगा तो फौरन इसके अंदर चला जाएगा। तो फिर जल्दी चलो। सुनो, हम दोनों मिलके इस मुसीबत का सामना करेंगे। तुम उनके फायरबॉल्स को रोको और मैं जाकर उनको रोकती हूँ। सुनो, ओके डन। बिग डायनो, आज तुम नहीं या मैं नहीं। ये लो भी। इमली, वीर को खतरा है, उसे कहो कि वो लड़ना बंद करे। वीर को कोई नहीं हरा सकता। उसे हराने का तरीका इस बुक में लिखा है जो कोई नहीं जानता। मैं भी तो देखूं वीर को हराने का क्या तरीका है। चीटिंग है, चीटिंग है। मेरे हाथ में नकली बुक थी, वो असली है। अच्छी ट्रिक थी, I like it। वीर, तुम्हारे तरकीब काम कर गए। चलो घर चले और जिंटू को खबर दे। चलो चलकर जिंटू को ढूंढते हैं। उसकी याददाश्त जरूर गुम हो गई होगी और वो कहीं बैठ के खा रहा होगा।